बरेली में बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में आज तड़के ओवरटेक करते समय कार अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शहर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी जिले के धमसर गाँव निवासी 55 वर्षीय प्रदीप वर्मा और 67 वर्षीय देवेंद्र नाथ, सीतापुर जिले के मीरानगर के रहने वाले 38 वर्षीय रेखा, 51 वर्षीय राजेश्वरी, 7 साल की अदिति और आलोक वर्मा कार से हरिद्वार शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी आज तड़के करीब 4 बजे बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में नवदिया झादा के पास हाईवे पर ओवरटेक करते समय कार अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में प्रदीप और रेखा की मौके पर ही मौत हो गई और देवेंद्र नाथ, राजेश्वरी, अदिति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार चला रहे आलोक को मामूली चोटें आई हैं। इस बीच राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहाँ हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उन्हें एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार और SSP खुले सुशील चंद्रभान ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना। कार से ट्रक से दुर्घटना। कहां से कहां जा रहे थे? धमसर से वहां नैनीताल जा रहे थे, शादी में। हाँ। तो जो एक्सपायर हुए उनके क्या नाम है? रेखा वर्मा, प्रदीप वर्मा। रेखा वर्मा शादीशुदा है या शादीशुदा? क्या नाम उनके पति का? उनके पति का नाम राम परवेश वर्मा। राम परवेश वर्मा। जो दूसरे एक्सपायर हुए वो प्रदीप वर्मा। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम क्या है? प्रदीप वर्मा। किसकी शादी में जा रहे थे? अपनी ननद की शादी में। ननद की शादी में। किसकी? रेखा की ननद। ये आपस में रेखा और प्रदीप कौन थे? प्रदीप मामा भांजी का रहे। मामा भांजी। हाँ, मामा भांजी। तो कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में टोटल 6-7 लोग थे। जो चार लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है? गंभीर है स्थिति। एक छोटी 5 साल की बच्ची, 4 साल के उसका हाथ कट गया है। आपका घायल 3 लोग।